कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन या संविधान निर्माण के सवाल और जवाब देखेंगे। यहां कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हर एक में आपको गलती पहचानना है, जो अध्याय में आपने देखा उस हिसाब से इसको ठीक भी करना है। स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। उसका उत्तर यह है कि स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर मतलब यहां नहीं वाला हटा दीजिए, लोकतांत्रिक ही हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। इसका कारण यह है कि आपको याद होगा कि 1930-31 में जब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तो वहां बाकायदा इसका प्रारूप कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ये इसके लिए संकल्प लिया गया था। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। देखिए, जब डिस्कशन होता है और मीटिंग होती है तो कई मुद्दों पर लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, और क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के अलग अलग विचार होते हैं। तो संविधान सभा में करीबन 299 सदस्य थे और 299 सदस्यों की अपने अपने विचार थे, सबके अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विचार थे। लेकिन क्योंकि बहुत ओपन, बहुत खुले विचारों से, पूरे खुले मन से इस पर डिस्कशन किया गया, तो मतभेद सुलझा लिए गए और संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन पर सबने अपनी समान राय रखी। तो जब सब एक पेज पे आ गए, सबकी बात सुन के सब जब एक पेज पे आ गए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया। जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो जिस देश में लोकतंत्र है उसमें संविधान होनी ही चाहिए, लेकिन जिस देश में संविधान है जरूरी नहीं है वहां पर कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही हो, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो संविधान जरूर होगा। तो ऐसा लिखना आपको। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं होगा। ध्यान रखें कि हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने इसमें प्रोविजन रखा हुआ है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो उसके लिए संसद के दो तिहाई, यानी अगर 300 लोग हैं संसद में तो 200 लोग, कम से कम 200 लोग इसके लिए एग्री करें, या दो तिहाई सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो मेन चीज जो दक्षिण अफ्रीका की 1989 से हमारे दिमाग में आती है वो आती है एपार्थाइड, यानी नस्ल या चमड़ी के रंग को लेके भेदभाव। तो रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का जो टकराव हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, और फिर नेता हुए नेल्सन मंडेला साहब, जिनको 28 साल के लिए रेबोन द्वीप जो दक्षिण अफ्रीका के पास में है वहां पर 28 साल के लिए इन्हें कारावास दिया गया, जेल में डाला गया। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो इसका उत्तर है शासन प्रमुख का नाम, यानी लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। शासन प्रमुख के अधिकार है, विधायिका का अधिकार है, देश का नाम है, लेकिन शासन प्रमुख कौन होगा ये तो जनता चुनेगी ना, इसलिए इनका नाम नहीं होता। संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बिठाए, तो मोतीलाल नेहरू जी 1928 में एक, ये कहें कि भारत का संविधान का प्रारूप तैयार किया, संविधान तो नहीं बनाया, संविधान तो एक संविधान सभा बनी और उसने बनाया, लेकिन मोतीलाल नेहरू जी ने इसका प्रारूप यानी कि इसका खाका जरूर प्रेजेंट किया था। B.R. अंबेडकर साहब ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्ट कमेटी,
जब कोई चीज़ रिलीज होती है, फाइनली बनती है या पेश होती है, जब उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसके पहले उसका प्रारूप बनता है, ड्राफ्ट बनता है। तो वो ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, चेयरमैन। सरोजनी नायडू जी, आप संविधान सभा की सदस्या थी, इसलिए दो से मिलाएंगे इनको। जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो नेहरू ने क्यों कहा भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? तो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये शब्द इसलिए प्रयोग किए कि पूरी तरह या पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने जो काम पूरा करने का बीड़ा उठाया था और उनके साथियों ने जो बीड़ा उठाया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी केवल शपथ या आप शपथ लेकर ये चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सबको एकजुट काम करना पड़ेगा और ये धीरे धीरे चीज़ें होंगी। नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं, तो नए भारत के सपने पहले ये भी देख लेता हूँ मैं कि जो शपथ वे भारत के संविधान निर्माताओं से लेना चाहते थे वो ये थी जवाहरलाल नेहरू जी की, कि वे अपना जीवन भारत, भारतीय लोगों और व्यापक स्तर पर मानवता की सेवा को अर्पित कर दें, यानी पूरा समय और पूरा दिल दिमाग उनका देश के लिए हो, वे ये शपथ चाहते थे। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख के आंसू पोंछने की है, वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे? तो गांधी जी ने कहा था कि उनकी जो सोच है संविधान के लिए, कि हर गरीब ये माने, ये समझे कि वो भी इस देश का एक नागरिक है और उसका बहुत बड़ा रोल है संविधान बनाने में, देश की सरकार बनाने में। तो ये महात्मा गांधी जी का जिक्र कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू साहब। हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य हैं, उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। गणतंत्र मतलब होता है शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति हो। बंधुत्व का मतलब होता है लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगी, सभी धर्म सभी पंथ सरकार की नज़रों के सामने बराबर होंगे, उनके साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा। कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियों ने जो नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग की या कर रहे हैं, इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है। तो इसमें आप पत्र जिस तरीके से लिखते हैं लिखेंगे, और साथ में ये चीज़ें जोड़ेंगे कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्ति देने के लिए संविधान में संशोधन की मांग, इस पर आप चर्चा करेंगे, और गणतंत्रात्मक संविधान लिखने के लिए नई संविधान सभा और राजा के शासन का विरोध, यह दर्शा रहे हैं कि लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं और राजतंत्रात्मक यानी कि राजशाही शासन को अपने देश से हटाना चाहते हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो ये कंटेंट लेके आप लेटर लिखेंगे। भारत के लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार कुछ इस प्रकार हैं। आप इनमें से
हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं सब पढ़ देता हूं, उसके बाद हम समझेंगे कि हमारे संविधान संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों की जो आज़ादी है या को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया था। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने लोकतंत्र का उसमें ना आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो आप ये लिखेंगे इसमें कि मैं ये जो ऊपर दिए बिंदु हैं उन सबको बराबर तरीके से महत्व दूंगा, क्योंकि पहला जो पॉइंट है वो बताता है कि ब्रिटिश शासन ने हमें लोकतंत्र के लिए आदर्श एवं प्रेरणा उपलब्ध वाकई में कराई थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होगी, कैसे सरकार चुनी जाएगी, किस तरीके से सरकार एक्ट करेगी, कौन उन्हें चुनेगा, ये सारी चीजें हमें वहां से मिली। जो दूसरा बिंदु है ये वाला, इसमें आत्मविश्वास के साथ पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा, क्योंकि सबने मिलके, हिंदू मुस्लिम कोई भी पंथ का आदमी हो, किसी भी क्षेत्र का आदमी हो, सबने अंग्रेजों के जो ऑपरेशन है, औपनिवेशिक शोषण जो हो रहा था उसके लिए आवाज उठाई और आजादी के लिए काम किया। तो एक सूत्र में हम बन गए। जब एक फैमिली बन जाती है, एक देश एक फैमिली बन जाती है, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था हम कहने लगते हैं उसे। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं वाली जो बात थी, इसमें आप ये कहेंगे कि हमारे नेताओं ने लोकतंत्र का निर्माण इस तरीके से किया कि यह पूरे देश के लिए आदर्श बन गया। सबकी ये चाह थी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह हैं और बहुत सारे अलग अलग ये कहें राज्यों को मिलाया गया था, और उन सबको अगर एक जैसा साथ में रखना है, सबको समान व्यवस्था देनी पड़ेगी, समान अधिकार देने पड़ेंगे, और वो लोकतंत्र में हो सकता है। 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण, इस पुस्तक में कुछ अंश हैं। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावात्मक दोनों ही तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया, इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वह अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती है। अब क्या इस अनुच्छेद में जो व्यक्त मूल संविधान के दर्शन से मेल खाता है या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है? तो ये जो पैराग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं कि औरतों को ये कहा गया है या बताया गया है कि आप कमतर हैं, आपका काम अकेले नहीं होगा या आप अकेले बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक रूप से और इमोशनल तरीके से, भावनात्मक तरीके से आपको नाजुक बनाया गया है, इसलिए आप पुरुषों के अधीन रहें या पुरुषों के संरक्षण में रहें। तो इस संरक्षण को आपको अनुग्रहित करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और अपना पूरा जीवन जो है पुरुषों की सेवा में समर्पित कर दें। तो संविधान में यह कहा गया है कि लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा, औरत हो या मर्द हो, आदमी हो औरत हो, लड़का हो लड़की हो, सबको बराबर तरीके से अधिकार मिलेंगे, सबको बराबर तरीके से देखा जाएगा, अवसर सबके सेम होंगे, सबको सेम तरीके से अवसर दिया जाएगा। तो संविधान का जो मूल भाव है वो कहीं ना कहीं इस प्रकाशन या इस कॉन्टेक्स्ट में, पैराग्राफ में संविधान के साथ मेल नहीं खा रहा है। इन कथनों पर आपको विचार करना है, क्या आप उनसे सहमत हैं, अपने कारण भी बताइएगा। तो संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है, तो ये सत्य है, क्योंकि संविधान में जो चीज़ लिखी गई है, आपको याद होगा कि बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको, इसकी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे मोस्टली वो वकील थे, और ये इस तरीके से बनाया गया है। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि ये कानून है, इसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी,
अगर कानून नहीं होगा तो अराजकता फैलती है। तो इसको सत्य हम इसलिए कहेंगे कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है, यह किसी लोकतांत्रिक देश की नींव है। संविधान में जो दिए गए कानून है, वर्णित कानून है, उस पर अन्य सभी कानूनों का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब यह है कि संवैधानिक कानूनों को भी वही या उससे भी अधिक हैसियत प्राप्त है जो देश के अन्य कानूनों की है। अगला आता है, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। तो ये भी सत्य है, क्योंकि जब संविधान ये में बहुत कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि सरकार निर्माण का ढांचा कैसा हो, उसका निर्धारण कैसा होगा। यह सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसके गठन और इनके कार्यों का जो विस्तार है, या इसके कार्यों को बड़े विस्तार के साथ परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। नागरिकों के अधिकार और सत्ता की, सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। यह भी सत्य है, संविधान ने देश के सभी नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है वो निर्धारित किए हुए हैं। इन अधिकारों की न्यायालय में मांग की जा सकती है अगर आपके साथ आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। सरकार के विभिन्न अंगों का ढांचा बनाने और उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र बनाते हुए, फिर भी प्रत्येक अंग को अन्य अंगों के नियंत्रण में रखते हुए, संविधान ये बाकायदा सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियां पूरी तरह सीमाओं में हैं, या जो लिमिट्स तय की गई हैं उसमें है। संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उनका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो बिल्कुल असत्य है। इसका कारण यह है कि संविधान सरकार की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके गठन बनाना यानी कि और कार्यों को निर्धारित करता है, ताकि इन संस्थाओं को चलाने के लिए ढांचा एवं नियम उपलब्ध हो सके। जबकि ऐसे कानून एवं ढांचों को उपलब्ध कराते हैं, या कहें उपलब्ध कराते समय लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं मूल इनका बाकायदा मार्गदर्शन करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। इसीलिए एक संविधान मूल्यों के बारे में भी चर्चा करता है संविधान, क्योंकि यह मूल्यों पर आधारित संस्थाओं के बारे में है। तो ये सवाल जवाब हुए इस चैप्टर के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।